नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण शर्मा। आप सभी का NIOS स्टूडियो में स्वागत है। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे DLED कोर्स के 509 पेडागोगी ऑफ सामाजिक विज्ञान के विषय पर, और हमारा आज की चर्चा का विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान उद्भव एवं संप्रत्ययीकरण। हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक विज्ञान का उद्भव किस प्रकार हुआ और इसका क्या संपर्क है, हम इससे क्या समझते हैं। सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। ये एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की उन्नति, वर्तमान तथा भविष्य में वातावरण संबंधी अंतःक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान मानवीय संबंधों, संस्थाओं तथा समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण सामान्यीकरणों से संबंधित होता है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और अन्य विषयों से इसका क्या संबंध है। यह ज्ञान पर्याप्त तथ्यों के आधार पर प्रदान किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो विभिन्न क्षेत्रों के संबंधों तथा अंतः संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे सामाजिक मनोविज्ञान, वास्तुशास्त्र, लोकतंत्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शन, राजनैतिक विज्ञान, धर्म, संस्कृति और मानव शरीर रचना शास्त्र। अर्थात क्या अभिप्राय हुआ कि ये एक ऐसा विषय है जो अन्य विषयों के साथ उनके अंतः संबंध का अध्ययन करता है, चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे भूगोल विषय की, या राजनैतिक विज्ञान, धर्म, संस्कृति या मानव शरीर रचना शास्त्र। सभी विषयों का इसके साथ संबंध है और इस अंतः संबंध को इसमें पढ़ा जाता है। सामाजिक विज्ञान समाज का, समाज के लिए, समाज द्वारा अध्ययन है। यह मनुष्य का सभी दृष्टिकोणों से संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह शब्द यह संकेत देता है कि सामाजिक विज्ञान का आधार निश्चित रूप से समाज है। अर्थात जो सामाजिक विज्ञान है वो कहाँ पर घटित हो रहा है, समाज में, क्योंकि यह समाज का, समाज के लिए और समाज के द्वारा अध्ययन है। इतिहास से यह राजनैतिक तथा जैनिक शोषणों को न लेकर अतीत में सामान्य व्यक्ति से, और कला में, संगीत में, सामाजिक विकास में तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अगर हम देखें आज समाज में सामाजिक व नैतिक परिवर्तन हो रहे हैं, मानव को इनके साथ सामंजस्य के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अर्थात जगह जगह पर या तो सामाजिक रूप से परिवर्तन हो रहे हैं या नैतिक परिवर्तन हो रहे हैं। प्राय हम सुनते हैं कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन हो रहा है, तो मानव को सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक और तो तकनीकी तथा विज्ञान के विकास ने मानव को सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, दूसरी ओर ज्ञान एवं तकनीकी विस्फोट ने बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। सामाजिक विज्ञान के द्वारा ही बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि बालक इन समस्याओं को जानकर उनका समाधान कर सके। आज हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में नरसंहार जो हमने देखा, जो घटनाएं हुई और जो हमें आर्थिक रूप से या मानवीय रूप से जो समाज को हानि हुई, उससे कौन परिचित नहीं है। तो विद्यार्थियों को ये सब बातें बताना आवश्यक है कि एक और तो तकनीकी के विकास ने मानव को सुख सुविधाएं दी हैं, यातायात के साधन जो हैं वो इतने सरल हो गए हैं कि मनुष्य जल्दी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और आज हम घर पर बैठे तकनीकी के द्वारा विदेश में बैठे हुए अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। परंतु दूसरी ओर विस्फोट ने बहुत सी समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। तो एक अध्यापक इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में ऐसी शिक्षा देगा कि किस प्रकार से हमें अपना जो विज्ञान है या जो उसके वैज्ञानिक यंत्र हैं उनका एक अच्छा प्रयोग किया जाए। सामाजिक विज्ञान की बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे ईबी वेस्ली की अगर हम चर्चा करें, उनके अनुसार सामाजिक विज्ञान शब्द
उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों से संबंधित होते हैं, अर्थात इस सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत वह सब पढ़ा जाता है जिसका संबंध मानवीय संबंध से होता है। दूसरी ओर अगर जेम्स हेमिंग्स के विचारों को देखें तो उन्होंने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों और अंतः संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपसे बात की है कि ये सारे विषयों का एक समूह न होकर ये सब अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। और अगर हम बात करें कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन पर आयोग यूएसए ने इसको कैसे परिभाषित किया है, इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान वह है जिसकी विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप से मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में अध्ययन करता है। अब बात करते हैं, जब हमने ये जाना कि सामाजिक विज्ञान क्या है और इसको अनेक शिक्षाविदों ने किस प्रकार परिभाषित किया है, अब हम देखते हैं कि इसका संपर्क्य क्या है, इसकी क्या अवधारणा है। सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विषयों का समूह मानना उचित नहीं है, यह विषय तो सामाजिक विषयों के संबंध की एक रूपता का ज्ञान कराता है। यह विषय बालकों में जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्माण करता है, क्योंकि बालकों को हमें बताना है क्या सही है क्या गलत है, उनको हमें इस योग्य बनाना है कि वो विभेदीकरण कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही और गलत में वो चुनाव करना सीखें। इस विषय के अध्ययन से ही बालक जान सकता है कि वर्तमान समाज का निर्माण कैसे हुआ है, हम जो आज वर्तमान परिस्थिति में हैं उसका अतीत से क्या संबंध है और अतीत में क्या परिस्थितियां रही होंगी जिससे निपटकर और या जिससे सामंजस्य करके, जिसमें सुधार करके हम वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं। इस विषय के ज्ञान से बालक एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में सामाजिक परिवर्तनों के लिए तैयार रहता है। अभी मैंने आपसे बात की थी कि सामाजिक और नैतिक परिवर्तन हो रहे हैं और हमें उससे सामंजस्य के लिए तैयार रहना है, तो एक अध्यापक का भी कर्तव्य है और कम्युनिटी के, समुदाय के अन्य सदस्यों का भी कर्तव्य है, माता पिता अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि वो बालकों को इन नैतिक परिवर्तनों और सामाजिक परिवर्तनों से तालमेल बैठाना सिखाएं, सामंजस्य करने के लिए तैयार रहना सिखाएं, ताकि वो समाज में एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में तैयार हो सकें। इस विषय के पढ़ाने का उद्देश्य है बालकों में जनहित की भावना विकसित हो, वो मैं की भावना से ऊपर उठें, उनमें दूसरों की संस्कृति के लिए गुणग्राह्यता का भाव पैदा हो तथा वे मानवों और राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता को समझने का यत्न करें। हमें बालकों को समझाना है कि कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, अर्थात क्या हुआ कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या जीवन यापन के लिए एक दूसरे मानव पर निर्भर रहना पड़ता है। एक दूसरे का सहयोग जरूरी है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना जरूरी है, और इसी प्रकार से एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूँ कि कुछ चीज़ें, हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कुछ चीज़ों की पैदावार हमारे देश में अधिक है जिसकी खपत से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसकी उत्पादकता, तो हमें दूसरे राष्ट्रों में उसको निर्यात करना पड़ेगा, या किसी चीज़ की कमी है उत्पादकता में तो हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा, तो इस प्रकार हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक अध्यापक अपने बालकों में ऐसा भाव भरे कि हम दूसरों की संस्कृति से गुण ग्रहण करें और एक दूसरे की निर्भरता को समझ कर एक दूसरे का सहयोग बनाए रखें। इतिहास, भूगोल आदि विषयों की अलग अलग शिक्षा केवल विविध जानकारी देती है, वह उस समय की सामाजिक परिस्थितियों तथा समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डालती और उनके बारे में समझ पैदा नहीं करती। अतः हमें इन विषयों के सारे समूह को समूचे समूह के रूप में मानना है, क्योंकि अगर हम बालकों को ये ना बताएं कि आज जो हम वर्तमान स्थिति में पहुँचे हैं, अगर हम इतिहास की बात करें कि आज हम आज़ादी
कि हवा में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो इस स्वतंत्रता को दिलाने के लिए, इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बलिदानी दी हैं, कितना कुर्बानी दी है, कितने बलिदान दिए हैं, तो उन सबको हमें ध्यान में रखना होगा। इसका लक्ष्य बालकों के सामाजिक वातावरण के साथ उनका सामंजस्य करना है। इस वातावरण में परिवार, जाति, राज्य और राष्ट्र सभी आ जाते हैं। इससे वे समझ सकेंगे कि समाज अपने वर्तमान रूप तक किस प्रकार पहुंचा है। इससे वे उन सामाजिक शक्तियों और आंदोलनों के उद्गम की समझदारी से व्याख्या कर सकेंगे जिनके बीच में वे रह रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे पहले कृषि का उदाहरण देकर बात करी, फिर मैंने आपसे इतिहास के रूप में बात करी कि किस प्रकार हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। तो हमें वर्तमान को समझने के लिए या भविष्य में कदम रखने के लिए, उसके लिए जो तैयारी करनी है, हमें बालकों को बताना होगा कि किस प्रकार हमारे देशभक्तों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र हैं और आज हम इन सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने हमें जो है, बहुत सारे जो वैज्ञानिक आविष्कारों से हमें लाभान्वित कराया है, वो किस प्रकार अतीत में उन्होंने संघर्ष करके आज हमें वर्तमान परिस्थिति तक पहुँचाया है। और आज अगर हम वर्तमान में अपनी इस एकता को या अपने जाति, अपने राज्य, परिवार और राष्ट्र, इन सभी को नहीं समझेंगे, सभी से सामंजस्य नहीं बैठाएंगे, तो हम भविष्य की तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि हमने सबको एकजुट होकर रहना है। सामाजिक विज्ञान के द्वारा इस एकता को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को समझाना बहुत ही सरल हो जाता है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों को इस बात की व्याख्या करने में सहायता करता है कि अतीत में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित हुआ। जैसे अभी मैंने बात करी कि देशभक्तों ने बड़े बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दी है, किस प्रकार उन्होंने सामंजस्य बैठाया है, उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, उन्होंने क्या सोच कर कौन सा निर्णय लिया होगा, तो ये बालकों को इतिहास के द्वारा बताना आवश्यक है। तो ये सब कैसे संभव होगा? जब हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण इत्यादि की शिक्षा देंगे। इस विषय की शिक्षा द्वारा बालक न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है, बल्कि उन अभिरुचियों और मान्यताओं को भी, जो जीवन और नागरिक कुशलता के लिए आवश्यक है, उनको भी सीखता है। अर्थात देखिए, हर बालक की अभिरुचियाँ अलग हैं, उसका दृष्टिकोण अलग है, अलग अलग मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें उन अभिरुचियों और मान्यताओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए बालक को एक नागरिक, ऐसे कुशल नागरिक के रूप में तैयार करना है, जो उसको जीवन के लिए तैयार करे और भावी जीवन में कदम रखने के लिए, सफल होने के लिए, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए, उसका वैभव बनाए रखने के लिए किस प्रकार विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा सकता है। ये सब कैसे संभव होगा? जब सामाजिक विज्ञान में हम सभी पहलुओं का, जो मैंने आपसे बात की है, इनका ध्यान रखेंगे। अतः हमें विद्यार्थियों में देशभक्ति भाव के साथ साथ विश्व नागरिकता के प्रति प्रेम एवं सम्मान का भाव उत्पन्न करना चाहिए। एक तरफ हम राष्ट्रीय एकता की तो बात करते हैं, लेकिन हमें सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के द्वारा अपने बालकों में ये भाव भरना है कि हम अब जो है, जो वसुधैव कुटुंब, यानी कि जो सारी धरती है वो परिवार है, और हमें केवल भारतीय नागरिकता के लिए नहीं, विश्व नागरिकता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है, जिससे हम अपने राष्ट्र की एकता तो बनाए रखें, परंतु अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का भी उतना ही ध्यान रखें। क्योंकि अगर हमें प्रगति के रास्ते पर चलना है और सफल होना है, तो हमें एक दूसरे राष्ट्रों का सम्मान करना सीखना होगा, सभी की संस्कृति का सम्मान करना होगा। ये कैसे संभव होगा? जब सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के द्वारा अध्यापक ये सारी बातें अपने बालकों में कूट कूट कर भरेगा। सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है? अक्सर ये देखा जाता है कि अध्ययन और विज्ञान, इन दोनों में को हम अंतर नहीं कर पाते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे प्रथम रूप से तो हम बात करें कि गहनता की दृष्टि से इनमें भिन्नता है।
सामाजिक विज्ञान में सामाजिक अध्ययन की अपेक्षा विषय की गहनता अधिक है। इसमें मानवीय संबंधों का अधिक विद्वतापूर्ण ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसमें अनुसंधान, खोज और पर्याय के लिए पर्याप्त स्थान रखा जाता है। फिर बात करें स्तर की दृष्टि से, तो सामाजिक विज्ञान का स्तर ऊंचा होता है। इसे उच्च स्तर पर तो पढ़ाना संभव है, जबकि सामाजिक अध्ययन को निम्न कक्षा के बालकों को पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बात करें प्रयोजन की दृष्टि से भी भिन्नता है। सामाजिक विज्ञान में मानव संबंधों का सैद्धांतिक वर्णन होता है, परंतु सामाजिक अध्ययन में प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार प्रयोजन की दृष्टि से भी सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में भिन्नता है। इस भिन्नता को ध्यान में रखते ही सामाजिक विज्ञान का उद्भव हुआ, जिसको हम सामाजिक अध्ययन समझते हैं, जो निम्न स्तर पर पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान का उद्भव हुआ इन सारी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए। अब विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु के संगठन की दृष्टि से भी इनमें भिन्नता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव विकास से संबंधित सभी विषयों को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता है, परंतु सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि का समावेश इस प्रकार किया जाता है कि बालक अपने पर्यावरण को समझ सके। अगर हम बात करते हैं क्षेत्र की, तो क्षेत्र की विशालता की दृष्टि से भी इसमें भिन्नता है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। इसे विद्यालय स्तर पर पढ़ाने के लिए सरल एवं रोचक बनाकर सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। इस प्रकार हम समझ गए कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है और किस प्रकार सामाजिक विज्ञान शब्द का उद्भव हुआ और इसका क्या संपर्क है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। पहली बात तो यह है कि ये मिश्रण नहीं है, मिश्रण की अपेक्षा एकीकृत विषय है। सामाजिक अध्ययन में तो अन्य विषयों का मिश्रण है, परंतु सामाजिक विज्ञान एक एकीकृत विषय है। इसमें संबंधों का अंतस अध्ययन किया जाता है। ये एक वास्तविक अध्ययन है, ये एक जीवन के लिए तैयारी है। जैसा कि अभी जब हम संप्रत्यय की अवधारणा की बात कर रहे थे, तो आपसे मैंने ये चर्चा की कि किस प्रकार से अतीत की परिस्थितियों में मानव ने पहले सामंजस्य बैठाया, जिससे हम वर्तमान परिस्थिति में पहुँचे, और फिर इस सब को ध्यान में रखकर हमें किस प्रकार एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को सीखना है, शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है, ताकि हम विश्व बंधुत्व की बात करें। इसलिए हम भावी जीवन में कदम रखने के लिए विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार ये संभव है कि सामाजिक विज्ञान के द्वारा बालकों को व्यवहारिक अध्ययन कैसे दिया जाए, यह प्रयोजनवादी दर्शन पर आधारित है। जागरूकता का विकास किया जा सकता है और सामाजिक विज्ञान में मानवता का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। ये सारी जो है सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं हैं। अब जो है देखें कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहली बात जो अभी इससे पहले भी मैं कर रही थी कि इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आजकल बार बार चारों तरफ आप पर्यावरण सुरक्षा की बात सुन रहे हैं, तो देखिए अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी ये जो वातावरण और मानव के संबंधों का अध्ययन है, ये जानना जरूरी है, जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रख सकें। मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी इसमें संभव है। मनुष्य तथा आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य तथा संस्थाओं के संबंधों का अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मनुष्य कोई आग का पौधा नहीं है कि वो अकेला रह सके। वो सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहता है, वो अपने दुख सुख बांटना चाहता है, तो समाज में रहता है। समाज का अध्ययन कैसे संभव होगा, जब सामाजिक विज्ञान बालकों को पढ़ाया जाएगा, तो बालक इस समाज में जिसमें रह रहे हैं, अंत्यक्रिया कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर सकेंगे, उसकी जानकारी पा सकेंगे। कारण और प्रभाव के संबंधों का अध्ययन जरूरी है कि बालकों को बताया जाए कि किसी चीज़ का कोई प्रभाव है तो उसका कोई कारण रहा होगा। अगर आज जैसे हम पर्यावरण
हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के बनाए रखने के लिए हमारे सामने चुनौती है, तो ये जो प्रभाव आया है इसका क्या कारण रहा है कि हमने जंगलों को काट के, वृक्षों को काट के भवनों का निर्माण कर दिया है, तो हमें किस प्रकार हरियाली को बनाए रखना है, किस प्रकार हमें जो है ऐसा वातावरण बनाना है, किसी भी का कोई प्रभाव है उसके पीछे क्या कारण रहा है। और संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न संसाधनों का अध्ययन कैसे किया जाएगा, साथ ही बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की समझ। अभी मैंने आपसे बात की थी कि हमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, परंतु बालकों में ये भाव भरना है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनाए रखनी है, शांति बनाए रखनी है, क्योंकि शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का जब वातावरण होगा तभी हमारा देश प्रगति के विकास पर आगे बढ़ सकता है। तो बालकों में ये जो अंतर्राष्ट्रीय की सद्भावना की जो समझ है, ये सामाजिक विज्ञान के द्वारा ही संभव है, ये सब सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में ही आता है। सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है? सामाजिक विज्ञान का कला से, भाषा से, गणित से, भौतिक विज्ञान से, आधुनिक युग से, जीवन के साथ संबंध है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का कला से क्या संबंध है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए विद्यार्थियों में अनेक कौशलों का विकास किया जा सकता है, जैसे चित्र, ग्राफ, नक्शे और मौसम के चार्ट बनाना। सामाजिक विज्ञान और भाषा का संबंध देखें तो भाषा के बिना सामाजिक ज्ञान शिक्षण संभव नहीं है। अध्यापक भाषा के माध्यम से ही विद्यार्थियों को समाज की संरचना का ज्ञान प्रदान कर सकता है। अगर बात करें गणित की, तो सामाजिक विज्ञान अधिगम में गणित और भाषा का उपयोग करते हुए क्रय विक्रय, किसी स्थान विशेष की वर्षा आदि की सही गणना संभव है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान के प्रभावों के बारे में बताया जा सकता है, इससे मानव जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान तथा आधुनिक युग की बात करें, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है केवल अतीत व वर्तमान का ज्ञान देना ही नहीं, अपितु बालकों को भविष्य संबंधी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। सामाजिक विज्ञान का जीवन के साथ संबंध, दैनिक जीवन से संबंधित सामग्री को सम्मिलित करके बालकों को अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दी जा सकती है। अतः सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसमें मानवीय संबंधों, समूहों, समाज, संस्था, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। बालकों की समझ बढ़ाने में सामाजिक विज्ञान की भूमिका की चर्चा करें, बालकों के ज्ञान का दायरा विस्तृत किया जा सकता है, बालकों को सभ्य नागरिक बनाया जा सकता है, सामुदायिक जीवन का ज्ञान दिया जा सकता है, पर्यावरण की जानकारी दी जा सकती है, बालकों की चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना भी संभव है, बालकों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है, नैतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, राष्ट्रीय एकता का महत्व बताया जा सकता है, बालकों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बालकों में ये सारी बातें सिखाने के लिए, ये सब सिखाने के लिए एक अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के द्वारा अध्यापक इस सब को संभव बना सकता है। अतः मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि आप सब जान गए होंगे कि सामाजिक विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ और इसका संपत्तिकरण क्या है। धन्यवाद।